हेलो गाइस, मेरा नाम है नरेंद्र गोहिल। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एक सिंपल से फ़ोटो को आप किस तरह से ये अमेजिंग लुक दे सकते हैं। तो आप भी ट्राई करना चाहते हो अपने फ़ोटो पे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो कुछ इस तरह के फ़ोटो मैंने तैयार की है, आफ्टर बिफोर आफ्टर बिफोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बैकग्राउंड वाली फ़ोटो को ऐड करेंगे फोटोशॉप के अंदर। दूसरी जो हमारी ओरिजिनल फोटो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। मास्क के बटन पे क्लिक करेंगे, ब्रश सिलेक्ट करेंगे और एक्स प्रेस करके हम ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेंगे और जो अनचाहा हिस्सा है उसे इरेज कर लेंगे। बटरफ्लाई पीएनजी को यहाँ पे ऐड करेंगे, साइज सेट कर लीजिए। लासो टूल सिलेक्ट करेंगे, फिर बटरफ्लाई का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन हो जाने के बाद कंट्रोल जे कंट्रोल टी, अब सिलेक्शन बटरफ्लाई को उसकी जगह पे सेट करेंगे। फिर से बटरफ्लाई वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और लासो टूल की मदद से फिर से बटरफ्लाई का सिलेक्शन करेंगे। कंट्रोल जे कंट्रोल टी, बटरफ्लाई को उसकी जगह पे सेट करेंगे। इसी तरह से पूरे मुंह को कवर करना है। बटरफ्लाई लेयर को सिलेक्ट करके उसे डिलीट कर लेंगे। सबसे ऊपर की बटरफ्लाई वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस रखेंगे और सबसे आखिर वाली बटरफ्लाई के लेयर को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ई प्रेस करेंगे जिससे कि सभी लेयर मर्ज हो जाएगी बटरफ्लाई वाली। मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्रश सिलेक्ट करेंगे, एक्स प्रेस करके वाइट कलर सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको जितना हिस्सा इरेज करना हो वो इरेज कीजिए और जितना हिस्सा चाहिए वो आप फिल कर लीजिए। बटरफ्लाई लेयर को सिलेक्ट करके स्टार वाली पीएनजी को यहाँ पे ऐड करेंगे। फोटो के साइज को सेट करेंगे, रोटेट करेंगे और वार्प टूल की मदद से फोटो के साइज सेट करेंगे उस जगह पे। लेयर पे राइट क्लिक करके रास्टराइज लेयर सिलेक्ट कर लेंगे। अल्ट प्रेस करके आँख के निशान पे क्लिक करेंगे, चैनल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके आरजीबी को सिलेक्ट करेंगे। लेयर में जाएंगे, मास्क के बटन पे क्लिक करेंगे, दूसरी सभी लेयर को अनहाइड कर लेंगे। ब्रश सिलेक्ट करेंगे, एक्स प्रेस करके वाइट कलर सिलेक्ट कर लेंगे और अनचाहे हिस्से को इरेज करेंगे। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई प्रेस करेंगे, फिल्टर कैमरा रो फिल्टर। अब कैमरा रो फिल्टर में से हम अपना मनचाहा फिल्टर सिलेक्ट करेंगे या फिर स्लाइड का यूज़ करके हम अपना मनचाहा इफेक्ट क्रिएट करेंगे। फाइनली फोटो तैयार है। अगर आप ये ट्राई करें तो इंस्टा पे मुझे डीएम जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।